इस भारत की कमान संभाली थी। 70 सालों तक जिन राजनीतिक दलों ने इस देश में शासन करा था, उन 70 साल के अगेंस्ट में यह 9 साल उसके विकास के जो रास्ते के नए आयाम खड़ा करने का काम देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी ने करा था। आज तो हमको भी लगता होगा कि जब इस देश के अंदर तक जाए बम ब्लास्ट होकर चले जाया करते थे, पाकिस्तान से लोग आया करते थे और कई हनुमान जी के मंदिर जयपुर में, कई मॉल के ऊपर, कई रेलवे स्टेशन के ऊपर और हमारे भाई और बहनों के बम लगाकर चिथड़े उड़ा दिए जाया करते थे और ये देश की सरकार मुक्त करके बनी बैठी थी। क्या कारण है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार है? कहां चले गए वो आतंकवादी, कहां चलाएगा पाकिस्तान? तो चूहा बनाने का काम देश के जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है। की योजनाओं को लेकर नरेंद्र भाई मोदी ने देश के हर वर्ग को मान और सम्मान करने का काम करा है। हिंदुस्तान के बाहर वो कहीं जाता है तो पूरी दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। भारत का साथ तिरंगे का मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करा है। अभी युद्ध हुआ, हमारे परिवारों के बच्चे शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, जब यूक्रेन के अंदर अपनी शिक्षा के लिए गए हुए थे तो युद्ध के अंदर फंस गए थे। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा तिरंगा लेकर निकलिए हॉस्टल से, कोई भी गोली और तोप आपका सामना नहीं कर सकती, तिरंगे की ताकत यूक्रेन में बताने का काम इस देश के जाबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करा है। अभी आपने देखा होगा मित्रों कि एक देश में इंडिया करके गठबंधन बना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये मेनका गांधी तो नहीं, उसकी मां सोनिया गांधी, ये एक ही परिवार था क्या? देश के अंदर इस कांग्रेस के अंदर कोई दूसरा नेता किसी मां ने नहीं चला? ये मालिक बन के बैठे हैं, ये परिवारवाद की पार्टी है। एक तरफ लालू की पार्टी, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, उसका बच्चा तेजस्वी, क्या मजाक लगा रखा है? उधर मुलायम, उसका बेटा अखिलेश, उसका चाचा, फिर उसका ताऊ, फिर उसकी बहू, एक ही परिवार। और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, एक चाय बनाने वाले का गरीब का बेटा, गरीब की पीड़ा को समझने वाला, जब देश की कुर्सी पर बैठा और लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब पहली बार गया तो उसने वह दंडवत प्रणाम कर उस पंचायत का मान बढ़ाने का काम किसी ने करा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करा। मित्रों, एक तरफ तो इंडिया जो परिवारवाद की पार्टी है, जो परिवार के रूप में एक ठग गठबंधन बना है, उनके पास तो नेता बनाने की स्थिति नहीं है। और हमने 2023 का भी नेता चुन रखा है और 2024 का भी नेता हमने चुन रखा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2023 में भी राजस्थान के अंदर कमल खिलाएंगे और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर पूर्ण बहुमत से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इस देश को उस ऊंचाइयों को ले जाने का हम काम करने जा रहे हैं। देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विश्व गुरु का मार्ग प्रशस्त करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने G20 को सम्मेलन को दिल्ली के अंदर देखा होगा, क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का किस तरह का विजन था? कोई कल्पना कर सकता है कि एक प्रधानमंत्री जब दुनिया के लोग वहां बैठ गए 100 घंटे से भी ज्यादा यूक्रेन रूस के लिए वह चर्चा कर वह शांति बहाल करने की बात उस G20 के उसमें बात करिए तो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया लेकर चलो एकदम ताजुब करने लगी थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या स्तर है? हर व्यक्ति इस मोदी के आगे झुक रहा था, उससे एक बात आगे और निकलकर कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानी व्यंजनों की वहां स्टॉले लगाई, वहां पर उसने इस देश के अंदर एक दुनिया में बड़ा संदेश देने का काम करा है कि जितने विदेशी राजनीतिक आए थे, जितने देश के दुनिया के लोग आए थे, वहां पर सात्विक भोजन बनाने का काम करा और वहां पर किसी भी तरह की पाश्चात्य संस्कृति का कोई भोजन का काम नहीं करा, बोतल भी थी तो वहां पानी की थी। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का मान बढ़ाने का काम करा। हमें गर्व होना चाहिए इस प्रधानमंत्री पर, वो अपने लिए क्या करता है? जब उसकी मां का देहांत हो गया था तो आप कल्पना करिए
कि मोदी जी अकेले चले गए, सबको मना कर दिया, कोई यहां नहीं आएगा। उसी परिवार में, उसी गांव के छोटे से शमशान घाट में अपनी माँ का दाह संस्कार कर और संस्कार के थोड़ी देर बाद ही देश और राष्ट्र के काम के अंदर अपने आप को लगा दिया था। क्यों गर्व नहीं होना चाहिए उस प्रधानमंत्री के ऊपर जो माँ भारती के लिए जीता है, माँ भारती के लिए एक एक देश के वासियों के लिए अपने लिए कल्याण की कल्पना करता है। तो हमें सोचना पड़ेगा, ये चुनाव का वर्ष है। अभी प्रियंका गांधी या जिंदीवाई के अंदर आई थी, वो महंगाई से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत महंगाई है देश के अंदर, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी, आपने यूपी के अंदर कहा था महिला हूं लड़ सकती हूं। राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार पे नंबर वन है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह के दुष्कर्म की घटनाएं एक दिन में 15-15, 16-16 घटनाएं होती है, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह के दुष्कर्म कर उनको काट कर उनको भट्टी में जला दिया जाता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस राजस्थान की स्थिति क्या हो सकती है। हमारी बहनों को धनबाद के अंदर जिस तरह की दरियाबाद के अंदर हमारी बहन को नग्न कर घुमाया जाता है, राजस्थान शर्मसार हो जाता है। और सोनिया जी, गलती आपको राजस्थान में आकर उस बहन बेटी के आंसू पोंछने उस परिवार के पास जाती तो शायद अच्छा लगता। महिलाओं लड़ सकती हूँ, राजस्थान में आपको अपना महिला होने का दर्शन कराने की आज आवश्यकता थी। अरे महंगाई की बात करते हो, आज पेट्रोलियम एसोसिएशन कल राजस्थान के अंदर बंद का आह्वान करा, वेट कम करने की बात करती है। पूरा देश के अंदर सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर है। सोनिया जी, आपको महंगाई से गरीब को चिंता नहीं है, गरीब की आपको पीड़ा का पता नहीं है। आपके भाई को मिर्ची लाल होती है कि सफेद होती है कि हरी होती है, इसका उसका अभ्यास नहीं है, उसको किसान की पीड़ा का पता नहीं है। और राष्ट्र को चलाने की कल्पना करते हो, अब देश एक अच्छे हाथों में आ चुका है। किसान को जिस तरह सहयोग निधि, जब किसान के खाते में जब 2000 रुपए उसके खाते में जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिचौली आपके उन खाते में पैसे आने से रोक सकता है? 100% आपके खाते के अंदर जाता है। जब महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाए जाते हैं तो 12000 रुपए उसके खाते में जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास का पैसा उस गरीब के लिए पूरा पैसा खाते में जाता है। आप कल्पना तो करके देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने गरीब को उठाने का काम करा है। अब 2 साल के अंदर कोरोना की मार जी को जिस तरह से हमारे देश ने झेला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल के कोरोना के काल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने 142 करोड़ का देश है, किस तरीके से एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाकर कोरोना के काल के अंदर जिस तरह का भारत के एक एक व्यक्ति का जीवन को बचाने का काम करा था, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम इस देश के जवानों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए अपने आप को सेवा देकर, राशन देकर, दवाई देकर, इलाज कराकर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाने का काम करा था। तो क्यों प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं होना चाहिए? ये ठग का बंधक अजीत मेहतो, अजीत मेहतो हमारा नेता, अजीत मेहतो हमारा नेता, अजीत मेहतो हमारा नेता, अजीत मेहतो आज तक अपना नेता तय नहीं कर पाया है। ममता जी कहती है मैं बन जाऊं, राहुल जी कहते हैं मैं बन जाऊं, मुलायम कहता मैं बन जाऊं, ये सिर्फ इस देश को लूटने के लिए अपने आप को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसको जी भर के गालियां बकते हैं, जी भर के उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन ये माँ भारती का उनको आशीर्वाद है कि देश का आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, आखिरी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई समझौता करने वाला नहीं है। 2023 में भी कमल खिलाएंगे और 2024 के अंदर 303 सीटों से भी ज्यादा लाकर इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी को पूरे प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेने के लिए आया यहाँ। अजीत माता, अजीत माता, अजीत माता, संघर्ष करो जिस तरह के अपने मुखपत्र के अंदर, जिस तरह के अपने एजेंडे के अंदर, मैनिफेस्टो में उन्होंने राजस्थान में सरकार लाने से पहले कहा था कि हम संपूर्ण किसान का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। वो इटली रानी का एक बेटा, वो एक राजकुमार, 1 से 10 तक की गिनती करके कहा था कि 1 से 10 तक गिनेंगे जब हर गरीब का, हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। बड़ी संख्या में किसान भाई मेरे सामने विराजमान है, हेलीपैड बनेगा,
टोंक के अंदर एयरपोर्ट बनेगा, टोंक के अंदर जाने क्या क्या होने वाला है, टोंक विकास के पथ पर आगे बढ़ जाएगा, एक मुख्यमंत्री हमारे टोंक का बनेगा। लेकिन सत्ता आई तो गहरा साहब ने उसको क्या करा है पूरे राजस्थान की जनता ने देखा। 4 साल तक किसका कुर्सी का चलता रहा, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती रही। 4.5 साल के अंदर गहरा साहब को राजस्थान की भोली भाली जनता की फिर याद आई है। आज आपको 100 यूनिट बिजली का फ्री देने की बात करते हैं, अरे गहलोत साहब बिजली मत फ्री मत दो, बिजली दे दो। 10-10 घंटे गांव के अंदर बिजली नहीं आती, गरीब का बेचा को मच्छर काटते हैं, उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। वो न कहता है कि बिजली मत फ्री करो, आप तो हमें बिजली पूरी दे दो, लेकिन 100 यूनिट फ्री करके बेवकूफ बनाने का फिर काम कर रहा है। 500 रुपए सिलेंडर की बात करता है, कैंप लगाकर लाइन लगाकर आपको 500 रुपए सिलेंडर मुट्ठी भर लोगों को देने की बात करता है। 100 यूनिट में लाइन लगाकर आपको आपका आधार कार्ड लेने के बाद बिजली फ्री की बात करता है। मोबाइल में हमारी माताओं बहनों को लाइन लगाकर धक्के खाने पड़ते हैं, और 1000 जाती है तो 10 को मोबाइल देकर भेजता है। अरे क्या तमाशा लगा रखा हमारी जिस राजस्थान की भोली भाली जनता को, ये महाराणा प्रताप के वंशज की भूमि है, मेरा की मीरा की भूमि है। गहलोत साहब इतना अपमान मत करो, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और आपके पूरे राजस्थान भर में मुस्कुराते हुए होल्डिंग लगते हैं। अब तो शर्म करो गहलोत साहब, ये राजस्थान की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, आपके लालच में आने वाली नहीं है। अब आपका ये ढोंग, आपका नाटक, ये आपका जादूगर, ये जादू अब राजस्थान की जनता पे चलने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि 2023 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ 160 से सीटें ज्यादा लाकर राजस्थान के अंदर एक पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियों का बदला, ये बड़ी संख्या मेरी माताएं बहनें बेटा बेटी है, आप अखबार के माध्यम से 16 से 17 हमारी माँ बहनों का जिस तरह का इज्जत उछाली जाती है, कानून नाम की चीज नहीं है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, तो क्या हमें नहीं लगता आपके दोस्तों आपका कोई जादू यहाँ पर चलने वाला नहीं है। आपका जादू समाप्त हो चुका है, अगले महीने आचार संहिता लगेगी, उसके महीने के बाद मतदान होगा। अगर गांव और डाणी से आए हुए मेरे परिवार के लोगों, मुझे गर्व है, मुझे पता है मेरे प्रति आपकी कितनी श्रद्धा, मेरे को आशीर्वाद देने में इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं कभी भूल नहीं सकता। जब भी मैंने आह्वान कराया कि आपको टोंक में आना है, एक स्वागत का कार्यक्रम रखा है, इतनी बड़ी संख्या में आकर मान और सम्मान कराए, मैं आपके ऋण से पूरी जिंदगी भी ऋण से ऋण नहीं हो सकता। ऐसा आपने आशीर्वाद दिया है, अगर कहीं आपके पसीने की एक बूंद गिरेगी तो अजीत मेहता का वह खून गिरेगा। आपके मान और सम्मान में हम कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन राजस्थान की धोखेबाज सरकार को हम उखाड़ फेंकने, राष्ट्रीय महामंत्री जी भी रहने वाले हैं, राष्ट्रीय मंत्री भी रहने वाले हैं, राजस्थान का एक ही लाल किरोड़ीलाल भी आपके बीच में आने वाला है। हमारे प्रभुलाल जी सैनी साहब भी यहाँ पर पधारने वाले हैं, हमारे अरुण सिंह जी भी, अरुण चतुर्वेदी जी भी आने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग नेता यहाँ आने वाले हैं। हो सकता है नेताओं को लगता हो कि कोई देर हो रही है, कोई बात नहीं, मंच पे नहीं आएंगे तो हम सब लोग बाहर जाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हम परिवर्तन संकल्प यात्रा को हमारे नेताओं को इस बात का आश्वस्त देने की बात करेंगे कि हम यहाँ पर इस बात का संकल्प लेकर आपको बताने आए हैं कि हम टोंक विधानसभा के अंदर कांग्रेस किसी को भी प्रत्याशी बनाकर भेजे यहाँ पर कमल खिलाएंगे, ये वादा आपसे लेने आया हूँ। करूँ गर्व होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की मेरे पे कृपा है। लोग गाड़ी भेजते, पैसे भेजते, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्या आशीर्वाद है, क्या आपका मेरे बीच में इतना संबंध है कि हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और आप दौड़े चले आते हो। मैं आपके इस मेरे आपके इस आशीर्वाद के ऋण से मैं पूरी जिंदगी ऋण नहीं हो सकता। बड़ी संख्या में मेरी टोंक की माताएं बहनें यहाँ पर विराजमान है। निश्चित मैं जानता हूं कि आपकी तकलीफें बहुत है, आपको कष्ट बहुत है, सरकार की योजनाओं से आपको वंचित करा जा रहा है, 5 साल में जो आपकी हालत बना दी गई है, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन हम 5 साल से 2023 में आपके वोट की शक्ति के आधार पर माताओं बहनों के सम्मान में
इस देश के गरीब कल्याण का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सम्मान में हम यहां से संकल्पबद्ध होकर जाएंगे। कांग्रेस के कोई लोक विभाव ने लोग कई कामे को छोटी छोटी ले नहीं तो 5 साल तक अपने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। हम यहां से संकल्प लेकर जाए, मैं आपको मां भारती की कसम देता हूं कि आपको 2013 में का सम्मान बढ़ाने का आपको संकल्प लेने की जरूरत है। आप यहां से संकल्प लेकर जाइए, हमें कोई लालच दे लेकिन हम इस मां भारती के सम्मान में, इस देश के सम्मान में, इस नरेंद्र भाई मोदी के सम्मान में एक एक वोट कमल के फूल पर लगाकर देश में नए से भी सरकार बनाएंगे और देश में भी सरकार बनाएंगे। इतनी बात कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आशीर्वाद मिला आपको मुझे, मैं आपके श्री चरणों बड़ी शक्ति में मातृशक्ति आशीर्वाद देने पधार लिए और मेरे युवा मैं आप सबका तय दिल से हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अब मैं हमारे पूर्व जिला अपनी बात कहकर हम सबको लाभान्वित करें।